Hey guys, आज की जो वीडियो है वो इंतहाई रिक्वेस्टेड वीडियो है ब्यूटी वॉलेट के फेशियल्स पे। ब्यूटी वॉलेट ने अपना 11 आइटम्स फेशियल किट निकाली है जो दावा करता है कि जनाब अगर आपकी स्किन का टेक्सचर ऑयली है, सेंसिटिव है, एक्नी वाला है, ड्राई है, ओवर ड्राई, जितने भी स्किन टेक्सचर स्किन टाइप हैं उसको हील कर सकते हो, यानी कि उसके लिए ये परफेक्ट फेशियल किट है। इसमें वाइटनिंग ग्लोइंग इफेक्ट आता है आपकी स्किन को बस एक ही फेशियल में। जी ऐसे विजिबल एंड ड्रास्टिक रिजल्ट देगा जिसमें आपको मिलेगा हाइड्रेटिंग, मॉइस्चराइजिंग, ग्लोइंग इफेक्ट के साथ साथ वाइटनिंग, ब्राइटनिंग इफेक्ट भी। इस फेशियल को आगे डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, मार्केट में कहीं पे भी दस्तियाब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्यूटिशियंस को प्रोवाइड की जा रही है। इंतहाई इकोनॉमिकल प्राइस में आपको 11 आइटम्स मिलेंगे। पिक्चर इस फेशियल के जार्स में बताई गई है, वही फ्रेग्रेंस हैं, वही पार्टिकल्स, वही चंक्स की सूरत में आपको मिलेंगे। ज़्यादा चीज़ों में हाइलुरोनिक एसिड का इन्वॉल्वमेंट है। इनकी फॉर्मुलेशन इंतहाई सेफ इंग्रेडिएंट्स को देखते हुए बनाई गई है, तो ये स्किन में कोई रेडनेस, कोई पैच, कोई ओवर ड्राईनेस नहीं करेगा, चाहे किसी भी टाइप की स्किन है। बस आपने आइटम्स को स्किन का टेक्सचर और नेचर देखते हुए उठाना है, जो मैंने आगे वीडियो में आपको डिस्क्राइब किया है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको इस फेशियल की 11 के 11 आइटम्स की क्वालिटीज़ पता चलें और वो कौन कौन से स्किन पे, कौन कौन से स्किन टाइप पे लगेंगी उसकी अवेयरनेस हो। बड़ी बेहतरीन इनकी प्रेजेंटेशन है, बहुत ही म्यारे बैग के साथ, अच्छी जिप के साथ इन्होंने अपना फेशियल हमें डिलीवर किया है। ये इनका टोनर, सबसे पहले मैं इस टोनर का बताऊंगी। ग्रीन कलर का है ये, अंदर से एंटी ट्री एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर और ये अल्कोहल फ्री है, जो कि जो भी टोनर्स होते हैं उनको अल्कोहल फ्री होना चाहिए, वरना वो ब्रेकआउट्स कर देते हैं जनाब, आपकी स्किन के ओपन पोर्स हो जाते हैं। तो टोनर जो भी लेना है वो अल्कोहल फ्री लेना है। ब्लेमिशेस के लिए, एक्नी प्रोन स्किन के लिए ये बेस्ट है और आपके पोर्स को फौरन से मिनिमाइज करता है विजिबल डिफरेंस के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टोनर का बता दूँ, अगर आपकी एक्नी वाली स्किन है तो फेशियल के हर स्टेप पर आप टोनर को ज़रूर 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 इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये अल्कोहल फ्री है, पीएच लेवल बैलेंस करता है, तो ये आप हर टाइप की स्किन पे लगा सकते हैं। लेकिन जो हर स्टेप के बाद टोनर लगाना है वो एक्नी प्रोन स्किन या बहुत ज़्यादा जो एक्नी वाली स्किन है उस पे इस्तेमाल करना है, ठीक है। इनका सेकेंड स्टेप है क्लेंजिंग मिल्क, इसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट है जोजोबा ऑयल है और बहुत ही ज़बरदस्त ये क्लेंजिंग मिल्क है। अगर आपकी स्किन ड्राई है आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर की ज़रूरत है, अगर आपकी स्किन डिहाइड्रेट है तो आपकी स्किन को नमी की ज़रूरत है, तो हाइलुरोनिक इफेक्ट है इसके अंदर, यह आपकी स्किन को हाइड्रेशन के साथ मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देगा। इसकी बहुत ही खूबसूरत फ्रेग्रेंस और वाइट कलर का है ये अंदर से। हर चीज़ को टाइटली क्लोज्ड करना है। ये मल्टी एक्शन क्लेंजर है, जैसे इसमें पिक्चर्स लगी हैं ऑलिव्स की, बिल्कुल वैसा ही इसकी फ्रेग्रेंस उसका कलर है। जिनकी बहुत ही एक्सट्रीमली एक्नी वाली स्किन है आप इसको लगा सकते हो, एक्नी वाली स्किन तो ये मत लगाओ, ये लगाओ, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन तो ये वाली चीज़ लगा लो। अगर ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन आती है तो वो सेकेंड स्टेप में आप ये लगाएंगे क्लेंजिंग मिल्क। अगर एक्नी वाली या बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन आती है तो आपने ये लगाना है, ठीक है। ये सेकेंड स्टेप है। फेस मिस्ट है ये शटर शील्ड है जो आपको और किसी फेशियल में नहीं मिलेगा। ये फेस मिस्ट जैसी चीज़ है, हाइलुरोनिक एसिड इसके अंदर शामिल है जनाब, हनी एक्सट्रैक्ट है और इतना सूटिंग, इतना ग्लोइंग करता है। अगर आप इस शटर शील्ड को ब्लीच से पहले लगाते हो या आप किसी मास्क के पहले लगाते हो या अगर एक्सफोलिएटर के साथ मिला के लगाते हो या अगर आप सफूरा पाउडर के साथ डीप क्लेंजिंग जेल के साथ मिला देते हो आधा चम्मच, तो ये बेहतरीन रिजल्ट देता है। ये इनका एक्सफोलिएटर है, अनार दिख रहा है तो बिल्कुल अनार के कलर का है और इसमें जो पोमोग्रेनेट सीड्स हैं उसको क्रश करके एक्सफोलिएटिंग इफेक्ट यानी एक्सफोलिएटर बनाया गया है। ये इनका एक्सफोलिएटिंग स्क्रब है और बहुत ही ज़बरदस्त है। ये हम ऑयली स्किन और एक्नी वाली स्किन पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई ड्राई स्किन आ रही है तो मैं आपको कहूँगी पॉलिशिंग स्क्रब इनका यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि पॉलिशिंग स्क्रब जो है वो भी आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है और ये एक्सफोलिएटिंग स्क्रब है वो भी आपकी स्किन को
एक्सफोलिएट करेगा। इसके अंदर आप शटर शील्ड को मिला देते हैं तो और मज़ेदार एक्नी सेंसिटिव स्किन के लिए हो जाएगा। ये है जनाब मेरा सफूरा पाउडर जिसे ज़ाफरानी पाउडर कहते हैं, उसमें ज़ाफरान के चंक्स हैं। इसको आप मिक्स करें डीप क्लेंजिंग जेल में और बेहतरीन फेस पैक बनाएं। हाइड्रेटिंग क्रीम जो है मसाज क्रीम बहुत ही कयामत की चीज़ है जी। कच्चे आमों की यानी कि कैरियों का एक्सट्रैक्ट, ऐसे कच्ची कैरियाँ रखी हुई हैं और उसमें नमक डाल के खा लें कसम से। ये जनाब इसमें टी ट्री एक्सट्रैक्ट है, ये ड्राई स्किन कॉम्बिनेशन ऑयली एक्नी हर स्किन के लिए अच्छा है क्योंकि इसमें कैरी एक्सट्रैक्ट है, वाइटामिन ई है एंड टी ट्री एक्सट्रैक्ट है। जो पिक्चर बनी हुई है जनाब वैसी ही फ्रेग्रेंस हर आइटम के अंदर है। और जैसे इसको हर्बल कहना चाहिए था, इस पूरी रेंज को हर्बल वाइटनिंग फेशियल का नाम देना चाहिए। हम आते हैं इनके मास्क की तरफ। इनके दो मास्क हैं, मड मास्क, ठीक है जी। इस मास्क की ये डीप क्लेंजर एंड पोर रिड्यूसर है ये, और ये मड मास्क ऑयली स्किन एक्नी वाली स्किन पर लगाया जाता है। और अगर आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई है तो मड मास्क नहीं लगाना। आप स्ट्रॉबेरी जैसी ही फ्रेग्रेंस है और ये ड्राई सेंसिटिव स्किन के लिए ये जो मास्क है एंजाइम प्योरीफाई स्ट्रॉबेरी मिनरल मास्क, ये आपकी ड्राई कॉम्बिनेशन एंड नॉर्मल स्किन के लिए दौड़ेगा, ठीक है जी। तो ये 11 की 11 रेंज मैंने आपको बताई। और एंटी वॉल्यूम डिवेलपर थिक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट के साथ और इनका वाइटनिंग पाउडर जो बिल्कुल भी हार्श इफेक्ट नहीं देता। तो सबसे पहले आपने ये पॉलिश करनी है और फिर उसके बाद ये पूरी रेंज से फेशियल करना है और फिर मुझे अपना फीडबैक देना। जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। माई नेम इज़ अफशीन रिजविया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।